बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर है और आज हमारी जो रेसिपी है वो माशाल्लाह कलेजी और पोटे के साथ है, तो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप लोगों के सामने इसको हम लोग साफ करते हैं, कलेजी को भी और पोटे को भी। इस तरह से इसके ऊपर गंदगी होती है तो इसको इस तरह से हटानी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पोटे को अच्छे से साफ कर लिया है और अच्छे से साफ पानी में डाल दिया है और ये साफ हो गया है। अब हम शुरू करेंगे कलेजी को। इस तरह से खून निकलता है, इस तरह से पाई। अब हम करते हैं कलेजी को धोना शुरू। कलेजी को धोते हैं और ये देखें, मैंने अच्छे से काट लिया है। अभी जो धुलेगा ना उसमें गंद सारा साफ हो जाएगा। कलेजी को भी धो लिया मैंने अच्छे से। रेसिपी तो आप लोग ऐसे हमारे साथ बने रहें। तेल जो है काफी हद तक गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज ब्राउन हो गई है, अब डालेंगे इसमें, हमने डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक फ्राई हो गया है, अभी इसमें डालेंगे हम लोग कलेजी और पोटा। कलेजी को हमने फ्राई कर ली है, अब इसमें डालेंगे टमाटर। कलेजी इसलिए मैंने लहसुन के साथ फ्राई की है ताकि इसकी जो भी खुशबू है वो सारी खत्म हो जाए। और हम डालेंगे टमाटर। ये मसाला हमने तैयार कर लिया है, उसमें मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, कुटी हुई मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि हमारे घर में से जो है ना गरम मसाला थोड़ा कम खाया जाता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे।
अभी हम डाल रहे हैं मसाला। इसे जो टमाटर डाले थे उससे ही ये कलेजी जो है गल जाएगी और इसको बिल्कुल हल्की आंच पर छोड़ देंगे तो इसी के पानी से ही तैयार हो जाएगी। तो अभी हम इसे ढक रहे हैं और कर रहे हैं हल्की आंच। डालेंगे मिर्ची क्योंकि काफ़ी हद तक जो है हमारा सालन तैयार हो गया, आधा रहता है तो थोड़ी सी मिर्ची डाल के फिर डालेंगे इसमें धनिया। माशाल्लाह से ये देखें हमारा सालन फाइनली तैयार हो गया है और ग्रेवी के जैसा है। माशाल्लाह हमारा फाइनली सालन तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ग्रेवी जैसा है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अभी आप लोगों ने हमारे सालन का कलर देखा है और माशाल्लाह कितना प्यारा सा है, बहुत ही खूबसूरत सा सालन बना है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। इसी रेसिपी के साथ आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।